उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर करीब 2.15 करोड़ मतदाता 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ। तीसरा चरण काफी व्यापक, इसमें बोटर ब्रिज क्षेत्र के 5 जिले की 59, अवध क्षेत्र की 27 तथा बुंदेलखंड के 5 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगी। इसी चरण के अंतर्गत सपा का गढ़ कहे जाने वाले यादव लैंड के 8 जिले इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फरुखाबाद की 28 सीटें भी आती हैं। बता दें कि सपा के गढ़ में भाजपा ने 217 में 28 में से 22 सीटों पर अपना परचम लहराया था और सपा को केवल 6 सीटें मिली थी। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने अपने गढ़ में 28 में से 26 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी और बसपा को केवल एक एक सीट से संतोष करना पड़ा था। सपा भाजपा में पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। इस चरण में सपा और भाजपा दोनों पार्टियों के सामने अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। एक तरफ जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 59 में से 49 सीटें जीती थी, तो शेष 10 में से 8 सीटें सपा और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बसपा को जीत मिली थी। दूसरा चरण जहां सपा रालोद गठबंधन के लिए अनुकूल था, तो वहीं तीसरे चरण में सपा के लिए 2012 जैसा प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। यही कारण है कि अखिलेश यादव अपने गढ़ में मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चाचा शिवपाल पड़ोस की जसवंत नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और परिवार की एकता का परिचय दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस बाइट्स।